हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसमें कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन होगा, सीरीज के शॉर्टकट्स होंगे, सीरीज का जो सीरीज एक्सपेंशन होती है उसके फॉर्मूलेज होंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलेज होंगे, रिमाइंडर होगा। तो ये सारी बातें आज हम इस छोटे से सेशन में जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला फॉर्मूला है आपके सामने, द रेशियो ऑफ द आरथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द आरथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी टू द पावर एन इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ बी इज ए अपॉन बी एन माइनस टू आर प्लस टू। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो जेई मेन में आपको मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे सवाल आपके जेई मेन में बहुत ही यूजुअली आते रहते हैं जिसमें आरथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द एंड का रेशियो दिया होता है। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट है ए अपॉन बी और पार में है एन माइनस टू आर प्लस टू, इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं कोफिशियंट्स के बीच का अगर रिलेशन की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव कोफिशियंट्स का सम होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज एन प्लस वन सीआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके भी काफी सवाल जेई मेन में आते हैं जिसमें आप दो कंसेक्यूटिव कोफिशियंट्स को ऐड करते हुए जाते हो, तो वो भी एक सीरीज आती है। इसके अलावा आर इंटू एनसीआर का फॉर्मूला काफी यूज होता है, विच इज एन इंटू एन माइनस वन सीआर माइनस वन, है ना। तो ये देखना आपकी आर और एनसीआर का अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके बाद एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, दो कंसेक्यूटिव कोफिशियंट्स का अगर रेशियो चाहिए तो डेट इज एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन का फॉर्मूला इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। कोफिशियंट्स का रेशियो भी काफी बार काम आता है, कोफिशियंट्स का सम काम आता है, और ये सेकेंड और फोर्थ फॉर्मूले जो है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज में बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट और नीचे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, जो रेशियो है, डेट इज टू एन सी एन अपॉन 2 टू दी पावर 2n, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काफी जगह अब आपको जेई के क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में सम ऑफ कोफिशियंट्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज 2 की पावर n, nc 0 से nc n का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। तो ऑड इवन वालों का बराबर होता है वो 2 की पावर n का आधा हो जाता है, 2 की पावर n माइनस 1, और अगर नीचे वाले कोफिशियंट सब सेम है और ऊपर वाले नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं m, m प्लस वन, m प्लस टू, तो फॉर्मूला आपके सामने है। अगर m r प्लस वन से बड़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, अगर छोटा है तो नीचे वाला फॉर्मूला होगा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूले, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज जेई में आती है जिसमें नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाले इंक्रीज होते रहते हैं। बेसिकली हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर आर ढूंढना होता है अलग अलग बाइनोमियल्स में, वो जीपी का फंडा लगता है, तो यहां पर यह फॉर्मुलेज मैंने आपके लिए डिराइव कर दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, सीरीज आर इंटू एनसीआर का सिग्मा, डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन का सिग्मा होगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, ये जेई एडवांस में भी आ चुकी है सीरीज, इसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू, ये भी काफी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एनसीआर का स्क्वायर जिसमें दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा टू एन सी एन, लेकिन अगर सिग्मा वन से स्टार्ट हुआ तो आर जीरो वाला हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि देखो सिग्मा का डिफरेंस है यहां पे, तो ये टू एन सी एन माइनस वन हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का होल स्क्वायर, जो सीरीज होगी इसका सिग्मा होगा एन स्क्वायर इंटू टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें आर भी स्क्वायर हो रहा है और एनसीआर का भी स्क्वायर हो रहा है, और R इंटू एनसीआर का स्क्वायर होगा N इंटू टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो ये आपकी सीरीज हो गई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है और डायरेक्टली शॉर्टकट है। रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो अगर किसी भी नंबर से आपको कोई बड़ा नंबर डिवाइड करना है जैसे, तो आप क्या करोगे उसी A से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, लेट्स से 2 आया और 3 आया, तो 2 की पावर n1 और 3 की पावर n2 आप a से डिवाइड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 7 की पावर n1 प्लस 3 की पावर n2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 7 की पावर के आसपास होगा, 49, तो इस 7 को 49 में कन्वर्ट करोगे, उसे 50 माइनस 1 लिखोगे, और ऐसी 3 का कौन सा पावर है जो 5 के मल्टीपल के आसपास है, तो 3 की पावर जो है वो 9 है जो 10 के आसपास है, यानी कि 10 माइनस 1 उसको लिख सकते हैं, और वहां से आप इजिली रिमाइंडर्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्प्लिट करना, कोई बड़ा नंबर है आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आप जो रिमाइंडर बचेगा 2 और 3, और देखोगे ए से डिवाइड हो रहा है तो ए का कौन सा मल्टीपल 2 और 3 की पावर्स के आसपास आ रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है।
और फाइनली मल्टीनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स का फॉर्मूला आ जाता है. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स होती है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर आर इन दिस वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. ये भी काफी जगह पे ये वाले फॉर्मुलेज आपके यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों. आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए. पीडीएफ ऑफ दिस सेशन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन.